अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं और अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, आप जब भी किसी से मालूम करते हैं कि भाई वजन किस तरीके से बढ़ेगा, तो वो आपको ये ही बताएगा कि आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा केले खाया करो, वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये बात 100% सच है कि केले खाने से वजन बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। अब बात ये आती है कि ज़्यादातर लोगों को इसे खाने के टाइमिंग के बारे में नहीं पता होता है कि दिन में किस किस टाइम इसे खाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा और केला किस तरीके का खाना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में देखेंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग वेराइटी के केले मिल जाएंगे। कुछ कच्चे होते हैं, मतलब कम पके हुए, और कुछ ज़्यादा पके हुए होते हैं, कुछ मीडियम रेंज में, मतलब काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। तो ये सही से नहीं पता होता है कुछ लोगों को किस तरीके का केला खाएं जिससे कि उनका वज़न बहुत ही जल्दी बढ़े, और दिन में कितने केले खाएं कम से कम, जो कि वज़न बढ़ाने में। कुछ लोग तो ये सोचते हैं अगर वो खाना शुरू भी कर देते हैं तो बस ज़्यादा ज़्यादा दिन में एक केला खा लिया और सोचते हैं कि भाई अब वज़न बढ़ने लगेगा। कुछ लोग इस बात को सच नहीं मानते हैं कि केला खाने से वज़न बढ़ता है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर केले में ऐसा क्या होता है जिससे कि वज़न जल्दी बढ़ता है, और दूसरी बात आपको वो टाइमिंग भी बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट रहेंगी आपको केला खाने की, और आपका वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। कितने केले खाने हैं दिन में वो भी बताऊंगा, और किस तरह का केला खाना है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे कि मेरी ऐसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। एक मीडियम साइज़ के बनाने की अगर बात की जाए तो उसमें लगभग 120 कैलोरी होती है, और ये 120 कैलोरी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा शुगर से ही आती है। जो बनाना में नेचुरल शुगर होती है उससे आती है। अब दोस्तों जो शुगर होती है वो वज़न बहुत ही जल्दी बढ़ाती है, इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जिससे कि आपकी जो बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स हैं वो सभी सही से काम करते हैं, इसीलिए वज़न बहुत ही जल्दी बढ़ता है बनाना खाने से। अब आपको बनाने कितने खाने हैं, तो दोस्तों एक जैसे कि मैंने बताया 120 कैलोरी होती है, तो आप कम से कम तीन से ज़्यादा ही खाने को, तीन से चार केले खाएं तो आप देखेंगे कि 480 कैलोरी आपको उसमें मिल जाएगी अगर आप चार बनाना खाते हैं। बेस्ट टाइमिंग रहेगी केले को खाने की सुबह, दोपहर और रात में सोने से कुछ टाइम पहले। तो ज़्यादा रात में ना खाएं केले को, वो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप उन्हें देख लेना कि ज़्यादा रात में केला नहीं खाना चाहिए। तो आप सुबह की, अगर आप सुबह में एक केला खा सकते हैं, आप उसे जो दलिया खाएं या आप कुछ भी ओट्स बनाएं तो आप उसके साथ इसे खा सकते हैं, ये मिल्क के साथ खा सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो है, आप उन्हें देख लेना किस तरीके से खाना है। और दोपहर में आप जब भी केला खाएं, तो दोपहर में जब आप लंच करते हैं तो उसके लगभग कुछ टाइम बाद आप केला खा सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों खाने के बाद काफ़ी सारे ऐसे फल होते हैं जिन्हें खाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं जाती, पर केला ही एक ऐसा फल है जिसे खाना खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और ये आपके खाने को इजीली डाइजेस्ट करा देता है। तो एक केला आप खाना खाने के कुछ देर बाद खाएं तो इस तरीके से वज़न बहुत ही जल्दी बढ़ेगा और आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। एक केले का आप रात में शेक बनाकर पी सकते हैं, तो शेक आपको किस तरीके से बनाना है वो मैंने वीडियो बना दी है, आप उन्हें लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, आपको सभी जानकारी हो जाएगी। अब केला आपको खाना कैसा है, कच्चा या पका हुआ, तो दोस्तों आप जितना पका हुआ चित्तीदार केला खाएंगे उतना ही आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा, क्योंकि उसी में ज़्यादा शुगर होती है, कच्चे केले में कम होती है और पके हुए केले में बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है। तो उस तरीके का अगर आप केला खाएंगे तो आपका वजन बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। दोस्तों ये जो टाइम मैंने बताया, अगर आप इस टाइम केला खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप दुबलेपन से छुटकारा आपको मिल जाएगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा। और फिर भी मैंने आपको सबको समझा दिया, अगर कुछ रह गए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा डाइट की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को देख लें। जय श्री राम।